12 घंटे के अंदर मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार, सामान भी बरामद। श्रावस्ती पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा महज 12 घंटे के अंदर करते हुए लूट का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार भी हुए हैं। लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व देसी तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य ने प्रेसवार्ता कर घटना के खुलासे की जानकारी दी है। अभियुक्तों के कब्जे से 29 साड़ियाँ, 2300 रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्त संदीप सिंह, शुभम शर्मा, राजू पासवान को न्यायालय पर पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को दिन के करीब 3:30 बजे इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकटा मध्यनगर मनोहरापुर निवासी राकेश चौहान फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था। वहीं गिलौला से सरवन तारा गाँव की ओर कपड़ा बेचने जा रहा था। सरवन तारा बाग के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों ने राकेश को रोक कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। राकेश की शिकायत पर गिलौला थाने में लूट का मामला दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के निर्देश पर पुलिस टीम बनाकर नाकाबंदी की गई। मुखबिर की सूचना पर खड़ेला मोड़ के पास मोड़वा व गुमटी के पीछे नाकाबंदी की गई। अभियुक्तों के पहुंचने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो अनियंत्रित होकर गिर गए। इस दौरान अभियुक्तों में से ही संदीप सिंह ने देसी तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा 3 साथी अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा कल ही दिन में एक साड़ी व्यापारी से, जो फेरी करके साड़ी बेचता है, उससे साड़ियाँ और उसके पैसे और मोबाइल लूटा था। ये सभी लूटा हुआ सामान 100% बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचे कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा एक अन्य चोरी जो श्रावस्ती थाना क्षेत्र में हुई थी, उससे संबंधित सामान भी बरामद किया गया है। सर कहाँ? ये थाना गिलौला क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए। और साथियों, या और इनके साथ रहा हो या फिर अभी तक ऐसी जानकारी नहीं प्रकाश में आई, लेकिन और जानकारी की